यो 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 और इस बार दोस्तों हम आ गए हैं अपनी प्यारी ग्रैनी के घर पे। बोली तो ग्रैनी चैप्टर 3 में तबाही मचाने के लिए। गाइस ग्रैनी का ये घर तो कितना ज्यादा सिक्योर है और यहाँ से बचकर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब मैं आपको इतनी सारी ट्रिक्स बता दूंगा जिससे यहाँ से एस्केप करना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और इन ट्रिक्स को जानने के बाद तो आप आंख बंद करके भी एस्केप कर पाओगे। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि बाद में तो आप इन शानदार ट्रिक्स को जानने के बाद लाइक करना ही भूल जाओगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और तू कहाँ घुस गया डले? ओई माँ, मार डले रे। तो चलो गाइस अब हम लोग जल्दी से चलते हैं अपनी आज की पहली ट्रिक की तरफ, जो कि होने वाली है बहुत ही ज्यादा मस्त। देखो गाइस हम चलते हैं यहाँ से अंदर, क्योंकि यहीं पर है हमारी पहली ट्रिक। और देखो आपको तो ये ऊपर दिख रहा होगा, ये है गुलदस्ता। और इस गुलदस्ते की कहानी पता है क्या है? ये गुलदस्ता ग्रैंडपा ने ग्रैनी को दिया था, और हाँ इसके अंदर गुलाब के फूल भी डाल कर दिए थे। लेकिन हमारी भुखड़ ग्रैनी ने वो गुलाब के फूल तो खुद खा लिए और गुलदस्ता यहाँ पर छुपा दिया। लेकिन हमको ये गुलदस्ता चाहिए रे बाबा, क्योंकि इसके बिना एस्केप होना बहुत ही मुश्किल है। और आज मैं आपको बिना स्लिंगशॉट के ये लेना सिखाऊंगा। तो देखो गाइस ये रही ग्रैनी के घर की डम्मी, हम जल्दी से इसको सरका के आगे ले चलते हैं। हाँ अब ये बिल्कुल सही जगह पर है, तो मैं जल्दी से इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और अब धीरे धीरे आगे जाता हूँ। देखो गाइस हम तो वास के बिल्कुल नजदीक आ गए और मैंने तो इसको उठा भी लिया। वाओ गाइस ये ट्रिक है बहुत ही ज्यादा मजेदार, और इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा, जिससे आप ग्रैनी के घर से जल्दी जल्दी एस्केप कर पाओगे। तो चलो अब हम चलते हैं जल्दी से हमारी अगली ट्रिक की तरफ। देखो ये है ग्रैनी की कार। और क्या आपको पता है कि कल ग्रैनी और ग्रैंडपा इसी कार में बैठकर घूमी घूमी करने गए थे, लेकिन वो मुझे साथ लेकर ही नहीं गए। तो दोस्तों मेरे दिमाग में आया है एक खुराफाती आइडिया, क्यों ना मैं इस कार में छुप कर बैठ जाऊं और फिर ग्रैनी के साथ घूमने जाऊं। लेकिन कार के अंदर बैठना तो मुश्किल है, मगर टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं एक निंजा टेक्निक। तो इस ट्रिक के लिए जल्दी से यहां पर आओ और सीट स्टैंड करते हुए कार के अंदर घुस जाओ। और लो दोस्तों हम तो अंदर भी घुस गए। तो मैं ग्रैनी से बचने के लिए चुपचाप यहाँ पर छुप के बैठ जाता हूँ। हाँ और बिल्कुल भी शोर नहीं करने का दोस्तों। ओहो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ओए चुप ले, बाहर निकल मेरी गाड़ी से। अरे ग्रैनी बाहर क्या निकलना, तुम भी जल्दी से अंदर ही आ जाओ, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और हम दोनों मिलकर आइसक्रीम भी खाएंगे। नल्ले आइसक्रीम क्यों, मैं तुझे ठंडे ठंडे डंडे खिलाती हूँ। ओहो ग्रैनी थप्पड़ से डर नहीं लगता, मगर तुम्हारे डंडे से लगता है। और तेरे की, ये बच्चा कहाँ गायब हो गया? ग्रैनी अपनी आंखों को खोलो, देखो मैं तो यही हूँ, मगर अब कैसे खोलोगी? गाइस हमने तो ग्रैनी को तारे ही दिखा दिए, चलो अब जल्दी से इनके पोंगे भी बजा देते हैं। ओहो ग्रैनी मजा तो आ रहा होगा। गाइस लगता है अब ग्रैनी नहीं उठने वाली, हमने तो इनकी पोंगी बजा दी, चलो अब जल्दी से चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। ओए बच्चे तू है कौन जो मेरे घर में इधर उधर भागे जा रहा है? अरे मैं ग्रैनी का दोस्त हूँ और अपने दोस्तों को यहाँ ट्रिक सिखाने आया हूँ। ओहो रुक अभी तेरी पिटाई करता हूँ, फिर सारी ट्रिक भूल जाएगा। ओ तेरी की गाइस ग्रैंडपा ने तो मुझको फंसा दिया, मगर मेरे पास भी एक ट्रिक है। जल्दी से यहाँ पर बैठो, इसको खोलो और फिर खड़े हो जाओ। गाइस ग्रैंडपा तो हमको वही किचन में ढूंढ रहे होंगे, मगर हम तो ट्रिक की वजह से छू मंतर हो गए रे बाबा। वाह
क्या मस्त ट्रिक है, उलू लू लू लू। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइस कुछ भी बोलो, आज की ट्रिक्स करके तो एकदम मजा ही आ रहा है। ओहो कौवे, तू अकेला अकेला क्या कर रहा है? क्वा, क्वा, कुछ नहीं जीबी के बच्चे, अपने घोंसले में बैठकर आराम कर रहा हूँ, क्योंकि ये घर मेरा है और मैं यहाँ का बाजीराव कौवा। क्वा, क्वा। हे क्या बात है, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? अच्छा चल ये सामान तो मुझको दे दे। क्वा, क्वा, नहीं दूंगा, ये सामान मेरा है और मैं इसका, हम दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है। हे क्या बकवास कर रहा है, कहीं तू भांग पी कर तो नहीं आया? क्वा, क्वा, अरे चला जा यहाँ से, नहीं तो चोंच मार कर तेरी चड्डी फाड़ दूंगा। क्वा, क्वा। गाइस ये कौवा तो सच्ची में पागल हो गया है। काऊ काऊ, ओए जेडी दुम दबा के भाग जा। मैं नहीं भागूंगा, भागेगा तो अब तू कलुए। काऊ काऊ, जो करना है कर ले, मैं नहीं डरता किसी भी मंजर से, क्योंकि मैं पिछवाड़ा भी खुजलाता हूँ खंजर से। ओहो अब तो इसकी वाट लगानी ही पड़ेगी दोस्तों, जरा देखो ये क्या पड़ा है, फायरवुड, अभी आएगा ना असली मजा। चलो जल्दी से चलते हैं अंदर और आपको इस फायरवुड का जलवा दिखाता हूँ। गाइस वो कौवा कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, रुको अभी उसकी पुंगी बजाता हूँ। अब तो उसको कौन बचाएगा, अब तो उसकी पुंगी बज ही गई होगी। चलो अपना काम तो हो गया और अब जल्दी से जाकर देखते हैं कि उसकी कौवा बिरयानी बनी या नहीं। गाइस मुझको तो लगता है कि अब वो कौवा और भी ज्यादा कलुआ हो गया होगा। ओए कौवे कहाँ है, देखो दोस्तों हमको तो वो कौवा कहीं भी नजर ही नहीं आ रहा, लगता है अब तो वो ग्रैनी का घर छोड़कर 9-2-11 हो ही गया। क्वा, क्वा, ओए नल्ले इधर देख इधर। हे तू वापिस कैसे आ गया कौवे के बच्चे? क्वा, क्वा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये घर मेरा है और मैं यहाँ का बाजीराव कौवा। ओए कौवे मुझे गुस्सा मत दिलवा, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो सबकी फटके फ्लावर हो जाती है। क्वा, क्वा, चल ओए फ्लावर समझे क्या, अपुन फ्लावर नहीं फायर है, इसलिए फायर भी अपुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आता माची सटक ले, अब तू तो गया कलुए। देखो गाइस ये रही ग्रैंडपा की गन, तो जल्दी से इसका कर देते हैं तक दिना दिन दिन। गाइस इस कौवे के तो तोते उड़ गए, और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आग के साथ साथ गन की मदद से भी इस कौवे को टपका सकती है। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस कौवे के लिए RIP कलुआ लिख दो। तो गाइस आई होप आपको आज की इतनी शानदार ट्रिक्स देखकर मजा तो आ ही गया होगा, और ऐसी ही और भी चटपटी ट्रिक्स को जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को देखो।